मानसी मैम यहाँ पर फलन है x प्लस वन अपॉन एक्स, और वही पता करना है किस अंतराल में वर्धमान है किस अंतराल में ह्रास होना। करते तो यार मजा ही आ जाता, तुम लोग को पता नहीं है कितने बढ़िया सवाल है, कितने सरल सवाल है। d अपॉन डी एक्स ऑफ x एंड d अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन x, x का हो जाएगा वन और इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन x, कुल मिला के वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लघु उत्तम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ये काय का मान है रोहित एफ एक्स का। तो अब एफ डेस सॉरी एफ डेस एक्स का, एफ डेस एक्स का चिन्ह नीचे वाले पर नहीं केवल ऊपर वाले, बिकॉज ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का भी हो सकता है, और बिल्कुल अगर आप वन बाई टू रखो तो वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर माइनस वन दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर, तो ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। अब हम लिखेंगे मानसी दिया गया फलन वर्धमान होगा, क्या होगा यदि एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर, लिख लो लेकिन मैंने एफ डेस एक्स चिन्ह केवल किस पर डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर माइनस, लिख देना हम लोग आ जा रहा हूँ, पर कोई कह दिया जीरो में गुणा होगा, ठीक है। चलिए अब वर्ते कैसे गुणनखंड तोड़ लेंगे बेटा अपन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब आती है सबसे बड़ी चीज जो मैंने कल आपको सिखाई थी बेटा कि किस में कौन से, तो बड़ा जब होता है जीरो से तो उल्टे चिन्ह लगते हैं, मतलब जो वास्तव में बड़ा उसमें छोटा लगेगा, तो माइनस वन और प्लस वन में कौन बड़ा है वास्तव में, प्लस वन बड़ा है तो छोटा है जीरो से, और समझ में आया बच्चों, तो एक्स बड़ा है किससे रोहित, एक काम करो पहले प्लस वाला लिख लो फिर लिख लो माइनस, तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, और ज़्यादा तुम लोग गधे हो ना थोड़े से, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ये प्लस वन बड़ा है इसलिए छोटा है जीरो से और यहाँ बड़ा है, तो रोहित एक्स छोटा है माइनस वन से और एक्स बड़ा है वन से, माइनस वन छोटा मतलब माइनस वन से लेके माइनस अनंत तक, एक से बड़ा मतलब एक से लेके अनंत तक, इतना तो आप समझ ही गए हैं, संघ माने दोनों अंतराल, इन दोनों अंतराल में ये क्या होगा वर्धमान होगा, इतना तो आप समझ ही गए हैं कि जब बड़ा चिन्ह चलता है तो खुला अंतराल आता है, मतलब इस तरफ का टुकड़ा और इस तरफ, बंद अंतराल में बीच का आता है, ठीक है। चलिए दूसरा अपन लिखेंगे दिया गया फलन ह्रासमान होगा यदि एफ डेस एक्स छोटा है जीरो से, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन छोटा है जीरो से, ऑक्सीजन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन छोटा है जीरो से। अब आ जाए चिन्ह पे, इसमें सही चिन्ह लगेंगे, प्लस वन बड़ा है तो इसमें बड़ा वाला, माइनस वन छोटा है तो छोटा वाला, एक्स बड़ा है माइनस वन से एक्स छोटा है वन से, मतलब कुल मिला के माइनस वन से लेके वन तक, समझ में आया बेटा ये, माइनस वन से बड़ा मतलब क्या, समझ रहे हो आप, समझते नहीं हो कभी आप लोग, माइनस वन जीरो वन, माइनस वन से बड़ा मतलब इस तरफ का और वन से छोटा मतलब इस तरफ का, ये पैक हो गया, ये क्या हो गया पैक, माइनस वन से वन, ताकि यहाँ देखो माइनस वन से छोटा माइनस वन से मतलब इस साइड का, तो ये पैक नहीं हो पाया, और एक से बड़ा मतलब इस साइड, वर्धमान ह्रासमान वर्धमान, समझ गए। कल वाले तरीके एफ एक्स का मान है एक्स काजल एक्स टू द पावर एट सिक्स एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले दुखी हो गए हम लोग इसका दोनों पक्षों का एक सापेक्ष क्या कर देंगे अवकलन, आठ एक्स की घात सात छः दूनी बारह एक्स, इसमें से हम एक्स क्या ले लेंगे। अब मेरी बात को समझो मानसी, ये जो लिखा है ना ये कभी माइनस का नहीं हो सकता, कभी माइनस का नहीं, मतलब ये आप एक्स का मान कुछ भी रखो ये चीज़ हमेशा आएगी रहेगी प्लस, एग्जाम्पल क्या वन रखो, क्या रखो तो वन की घात सिक्स वन, आठ एकम आठ बारह कितना हो गया बीस, और अगर आप माइनस वन भी रखो तो भी माइनस वन की घात छः क्या होगा वन ही होगा, समघात पे वन ही आएगा तो भी ये फिर बीस का हो जाएगा माइनस का, तो केवल एक्स पे डिपेंड करता है, एक्स प्लस का रखोगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस का रखोगे तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आठ एक्स की घात छः प्लस बारह का मान सदैव धनात्मक रहेगा, सदैव रहेगा, इसलिए एफ डैश एक्स का चिन्ह केवल जो बचा है एक्स की मान पर निर्भर करेगा, लिखिए नहीं वहाँ नहीं, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया फलन वर्धमान होगा जबकि एफ डैश एक्स बड़ा है जीरो से, मतलब एक्स इंटू एट एक्स टू द पावर सिक्स प्लस ट्वेल्व बड़ा है जीरो से, पर इस पर डिपेंड नहीं कर दो केवल एक्स बड़ा है जीरो से, मतलब जब एक्स प्लस का होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, अंतराल आ गया जीरो से लेके अनंत तक। नेक्स्ट अपन लिखेंगे ह्रासमान होगा जब एफ डेस एक्स छोटा है जीरो से, और मतलब एक्स इंटू एट एक्स टू द पावर प्लस ट्वेल्व छोटा है जीरो से, पर इस पर चेंज डिपेंड नहीं करता तो केवल एक्स छोटा है जीरो, तो शॉर्ट में अपन ये बोल सकते हैं कि जब एक्स माइनस का है तो
बोलो यार, एक्स माइनस का है तो वर्धम माइनस का आ जाएगा, प्लस का है तो अंदर वाले पर डिपेंड नहीं कर, ठीक है। तो जीरो से अनंत में वर्धमान और जीरो से माइनस अनंत में ह्रास। यहाँ पर फलन दिया है आपको x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इतना तो कुछ है नहीं कि आप अंश बटे हर का अवकर नहीं कर पाए। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हर गुणित गए अंश का अवकलन माइनस अंश गुणित गए हर का अवकलन। एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स का हो गया 1 एक्स और ये 2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये बागेमेंट ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखना है चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए एफ डैश एक्स का चिन्ह केवल 4 माइनस एक्स स्क्वायर के चिन्ह पर डिपेंड करेगा, डिपेंड नहीं निर्भर करेगा। अब लिखना दिया गया फलन वर्धमान होगा यदि f डैश एक्स बड़ा है जीरो से, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा है जीरो से। नीचे वाले चिन्ह कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो ये छोटा होगा, नीचे वाला चिन्ह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस का ही रहेगा हमेशा। तो रोहित अब यहाँ से होती है प्रॉब्लम, आप देखिए यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ऐसे गुणन कंट्रोल होगा तो कन्फ्यूज हो गए, इसलिए इसको पलट देंगे, माइनस का गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, 4 हो जाएगा माइनस का, जीरो जीरो रहेगा लेकिन चिन्ह छोटा हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तो x प्लस 2 एक्स माइनस 2, तो शुरू तो बड़े चिन्ह से किए थे लेकिन घुमाने के चक्कर में वो क्या हो गया छोटा, और छोटे में कंसेप्ट बहुत सिंपल होते हैं, जो बड़ा है मतलब प्लस 2 बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह और माइनस 2 छोटा है तो छोटा का। तो x बड़ा है माइनस 2 से, x छोटा है 2 से, आंसर आ गया माइनस 2 से 2 में वर्धमान। समझ में आया? छोटे चिन्ह में बंद अंतराल हो जाता है, अगर आपको याद हो, याद है चालू भले बड़े से किया था पर छोटा हो गया क्योंकि मैंने माइनस का क्या कर लिया गुणा। सेम टू सेम प्रोसीजर फिर से करनी पड़ेगी रोहित। एफ डैश एक्स छोटा है जीरो से, 4 माइनस एक्स स्क्वायर छोटा है जीरो से, पलट देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बड़ा है जीरो से, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बोलना पड़ेगा, हाँ बड़ा है जीरो से, हाँ इसमें कौन सा लगेगा प्लस 2 में छोटा इसमें बड़ा, तो माइनस 2 से छोटा है रोहित और 2 से बड़ा है, मतलब माइनस 2 से लेके माइनस अनंत तक वर्धमान और 2 से लेके अनंत तक भी वर्धमान, ह्रास मान, ह्रास मान। चलो लिख लो सकते हैं बच्चों, यहाँ गौर करेंगे, फलन है x की घात 4 माइनस x क्यू अपॉन 3, x की घात 4 का आ गया 4xq, इसका 1 अपॉन 3 बाहर रहेगा और आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 क्या हो जाएगा, इसमें से रोहित एक्स स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन, तो 4x, अब एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव तो लिखेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, सदा धनात्मक रहेगा, इसलिए एफ डैश एक्स का चिन्ह सेजल केवल 4x माइनस 1 पर निर्भर करेगा। दिया गया फलन वर्धमान होगा जब एफ डैश एक्स बड़ा है जीरो से, मतलब 4x माइनस 1 बड़ा है जीरो से, इस पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, मतलब 4x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 1/4 से, 1/4 से लेके अनंत तक, फिर ह्रासमान होगा यदि एफ डैश एक्स छोटा है जीरो से, 4x माइनस 1 छोटा है 0 से, 4x छोटा है 1 से, x छोटा है 1/4 से, मतलब 1/4 से लेके माइनस अनंत तक ह्रासमान, वर्धमान ह्रासमान।